वाह, व्हाट इज दिस? ये सरकट, ये तो सांप जैसा दिख रहा है इसका स्किन। वाह, बहुत टेस्टी होता है ये। क्या होता है? बहुत टेस्टी होता है खाने में। इसका पेट वेट साफ कर दिया। फ्रेश टॉक लेके आए, इसको आराम से बाजी करेगा, इसका बाद तारो खांगी। तुम्हें नहीं, मुझे क्लिक करो लो। हमारे यहाँ का खाना, आज का हमारा खाना, आज जो है हमारे मामा श्री जो है जंगल जाके हंटिंग करके लाए हैं सरकोट। हम अपने लैंग्वेज में सरकोट बोलते हैं, गुंडाबास, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, गूगल पे सर्च करके मैं नीचे पे लिखूंगी। बट हमें बहुत अच्छा लगता है जब बड़े बुजुर्ग हमारे घर के जंगल से हंटिंग करके कुछ खाने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर यही करते थे। आज के ज़माने में हम बाजार वगैरह से नॉनवेज वगैरह खरीदते हैं, मगर पहले के ज़माने में यही होता था। बड़े बुजुर्ग जो घर के लड़के होते थे ना, वो जाते थे अपने ग्रुप के साथ जंगल में, रहते थे बहुत दिनों तक, खाना वाना वही पकाते थे, इसके बाद ढेर सारा हंटिंग करके लाते थे। बट अच्छा डिफरेंट थिंग की अभी हंटिंग वगैरह में बहुत सारा बैन वगैरह लगा दिया है, मगर ये सब नॉर्मल है, ये सब छोटा मोटा है, बट बड़े वाले नहीं करते, वरना तो पहले टाइगर वगैरह डियर वगैरह भी बहुत मारते थे अरुणाचल में। बट जैसे कि उनकी संख्या जो है अब कम हो गई है, तो अब उस पर बैन लगा दिया गया है। अच्छा, मैंने अभी अभी गूगल कर लिया है, इस मीट को कोमोडो ड्रैगन बोलते हैं। तो आज हम ड्रैगन मीट खाने वाले हैं। वाह हैंडसम, ये पहले बहुत मोटा हो गया था, मगर पानी खेती में काम करके आया ना, धान लगाने का काम करके आया, तो बहुत फिट हो गया अभी। कोमोडो ड्रैगन, टमाटर ड्रैगन, टमाटर ड्रैगन नहीं, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन कैसे बनाता है आज हम दिखाएगा आप लोगों को। अच्छे से खाना बनाते हैं आप? मलिए देखो अरुणाचल के लेके लड़के ऐसे काम करते हैं। इधर दिखाओ। वाओ, देयर इज नो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। अब देयर इज नो बिटवीन, देयर इज नो बिटवीन, डिफरेंस क्या खा गए? देयर इज नो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। मैं तुम्हें टंग ऑफ स्लीप, टंग ऑफ स्लीप डेंजर। ऐसे बनाता है ड्रैगन मीट अरुणाचल में। क्या क्या डाला उसमें? इसमें कुछ भी नहीं डालते, अभी बाद में डालेगा, पकने के बाद। पकने के बाद इसमें प्योर लोकल डालेगा, लोकल। प्योर लोकल का क्या मतलब है? प्योर लोकल का मतलब लोकल प्याज, लोकल धनिया, लोकल मसाला। ओह, खुद पीस के डालोगे? नानी क्या कर रही हो? नानी बोल रही है मेरा बल्ब जला दो, अपू जला दो। अपू पता है क्या किसको बोल रही है? गोल वाला, इसको बोल रही है, जला देती हूँ। ये मसाला क्या क्या डाला इसमें? लसन, लसन और इसको गार्लिक बोलो या लसन, गार्लिक बोलो या लसन, वो तो हम भी जानते हैं। इसमें और कुछ लगाओगे? यस, पीपर मिर्चा। उनको हिमगा ना सोनबोम दिया अपने मिस को, देखो ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे दिया है बहुत प्यार से, सोनबोम बोरांग उसका नाम है। कुछ भी उसके घर में होता है ना, वो प्यार से मुझे ला के ऐसे देते, एक्चुअली उसकी मम्मी भेजती है, सो स्वीट। इसे हम बुरे कहते हैं। अब ये थोड़ा सा खट्टा है क्योंकि थोड़ा कच्चा है, पक जाता है तो पूरा मीठा होता है, पास कराने के लिए देते हैं। अंदर ऐसे रहता है। इनको कोटा अपा मां मंदू एंट्री
स्पाइसी बनने वाला है, दैट मीन्स लोकल जिंजर। लोकल जिंजर इनाडी वी कॉल टके। और ये धनिया टके भी मिक्स करेगा। कहां? यहां पे। ओ यहां पे हां मिक्स करेगा। ओ ये है क्या मसाला? हां ये मसाला। ओ नाइस। थैंक यू काटू। चम्मच ला, चाकू ला, चाकू। चाकू ये लीजिए हंटर। ऐसे काट के ऐसे मिक्स करता है। इस धनिया को क्या बोलते हैं? मिगोमोरी। ऑफिसर धनिया। ऑफिसर धनिया। दिखाइयो कैसा लग रहा है मीट। वाह तो कल ही दे अलग आता तो। लोग बिलीव नहीं करते बट मैंने अपने लाइफ में एलिफेंट का मीट खाया है, इवन टाइगर का भी खाया है, और डियर का तो मैंने बहुत ही ज़्यादा खाया है अपनी ज़िंदगी में। तो इट वॉज़ लाइक टाइगर मैं जब क्लास 5 या 4 में थी समथिंग तब खाया था, बहुत पहले की बात है जब हंटिंग वगैरह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। मतलब कुछ भी रिचुअल्स या पूजा होता है तो उसमें जिस मीट की ज़रूरत होती है उसके लिए हंटिंग वगैरह करते थे। मगर जैसे कि हर चीज़ जो उसका जो नंबर से संख्या जो है वो कम होते जा रहा है, तो उस वजह से ओब्वियसली हमें वो लेना पड़ता है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो उस वजह से कुछ कुछ चीज़ों में बैन हो गया है, तो आजकल बस खुद ही पालते हैं और खाते हैं। ये मेरे ये के बेस्ट फ्रेंड। क्या नाम है आपका? मैंने स्कूल में एक बार दिखाया था ना, परमेश सर उनके भैया है ना, अंकुर सर के भैया आप ना। नहीं ये इसका ड्रेसिंग देख के नहीं लग रहा कि ये दुकान में जा रहे, कहीं किसी से मिलने जा रहा है। ये पक्का पक्का मिलने जा रहे है किसी से। अभी बज के रात के 7:45 और मैं 8 बजे तक सो जाती हूँ। मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगती है जब 8 बजने लगता है, और 7 बजे के बाद आई अवॉइड डिनर, क्योंकि सनसेट के बाद खाना ना खाओ तो ही अच्छा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि रात का डिनर मत करो, बट अर्ली डिनर करना सबसे बेस्ट है। हाँ तो फाइनली मेरे मामा ने बोला है कि सब्जी जो है पक गया है, मैं जल्दी से अपने लिए कटोरे पर बहुत सारा निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं खाऊँगी, कल खाऊँगी। वाह दिस इज द मीट, लुक एट द मीट। मेरा मैं निकाल लेती हूँ, अब ये मैं खाऊंगी कल सुबह। मैं तो चली सोने, अब मैं तो अपना नॉनवेज कल खाऊंगी। ये ब्लॉग में कंटिन्यू करती सुबह। ओके अभी मिलते हैं हम 4 बजे। गुंडा बॉस अभी भी सो रहा है, सुबह के बज गए हैं 4। एक्चुअली 3:30 बजे उठी थी, और 3:30 बजे उठ के देखो पानी पानी बर्तन वगैरह धो लिया। इसके बाद अभी मैं अपना योगा इसके एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, इसके खाऊँगी मैं अपना खाना। योगा ख़त्म करके मैं वार्म वाटर पीती हूँ, थोड़ा सा इतना गर्म नहीं थोड़ा सा गर्म। इसके बाद ये पूरा 1 लीटर ख़त्म करती हूँ बाहर जाने से पहले। फाइनली खाना खाने जा रही है, और इसको वहाँ जो उसका खाना रखा वो नहीं खाना, मेरा ही प्लेट खाना है इसको। हैं ऊंचे चेयर में बैठ गई ताकि ये मेरे ऊपर पहुँच ना पाए। नाउ लेट्स ईट। मीट थोड़ा सा हार्ड है बट बहुत टेस्टी है। टेस्ट लाइक चिकन। मैं जब आई थिंक क्लास 12 समथिंग में थी, तो पापा जो हैं
टिफिन में कुछ लेके आए थे, फ्राइड नॉन वेज था, तब मैं खाना खा ही रही थी। फिर मैंने पापा से पूछा कि कौन सा मीट है, तो बोले थे कि चिकन है। फिर मैं खाती गई, फिर कुछ कुछ ऐसे स्किन दिखा मुझे, और ये स्किन चिकन का तो नहीं था, बाद में पता चला कि ये मीट है। तो मैं स्कूल आ गई हूँ और स्कूल में बहुत काम है क्योंकि नरस भी आने वाले हैं, बच्चों को डांस वगैरह भी सिखाना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।